हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हुसीटेक सर्विसेज। और मैं हूँ अफजल हुसैन, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी टेक्निकल वीडियोस है वो बनाते हैं, और जो भी आपको सपोर्ट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगा तो आप हमारे कमेंट में या इनबॉक्स सेक्शन पे आप मैसेज करके आप हमसे इसका सवाल का तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जान सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कंप्यूटर HP, जो मेरे पास एक HP लैपटॉप है जो कि मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसको रिव्यू करके दिखाऊंगा। इसको पहले हम लोग कट करके निकाल देते हैं। ये HP का पावर कोर्ड रहा और ये रहा HP का अडाप्टर। 65 वाट ये अडाप्टर है, अगर आप देख पाते हैं इसको अडाप्टर को, यहाँ पे लिखा हुआ है 65 वाट। ओके, और ये है हमारा HP का लैपटॉप। तो ये हमारा HP का ब्रांड न्यू, तो ये हमारा HP का ब्रांड न्यू लैपटॉप है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, इसका डिज़ाइन कितनी बढ़िया है। मैं इसको, ये विंडोज़ का यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ का स्टिकर लगा हुआ है, इसमें जेन्युइन विंडोज 10 है। अगर कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बात करें, अगर आप देख पाते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग यहाँ पर बात करें, तो इस ये HP लैपटॉप 15SDR2007PX है और इसमें इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर लगी हुई है। और इसमें रैम है, SSD भी है, इसमें है 256GB SSD हार्ड ड्राइव है विद 1TB एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव। और इसमें ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, इसमें विंडोज 10 जेन्युइन OS है इसमें है। और इसमें 3 सेल लिथियम आयन बैटरी भी है, 8GB की इसमें रैम है DDR4 जो कि हाई कैपेसिटी की रैम है ये, और 15.6 फुल HD हाई डेफिनेशन LED डिस्प्ले है इस पर। साथ ही साथ इसमें NVIDIA GeForce की ग्राफिक कार्ड भी लगी हुई है ताकि आपको कोई ग्राफिकल काम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और इस मशीन में HP फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस पर दे रही है। अगर प्राइस रेंज की हम लोग बात करें तो इसकी प्राइस जो HP MRP 74950 की है। ये रहा हमारा HP का लैपटॉप जो कि बहुत ही बढ़िया मॉडल है। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन स्टिकर है विंडोज़ 10 का। और ये रहा हमारा ब्रांड न्यू HP लैपटॉप। ठीक है, और फ्रंट अगर आप देखें तो फ्रंट देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये लुक मिलेगा, देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से है ये। सिल्वर डिज़ाइन पे है, सिल्वर कोटेड डिज़ाइन पे है ये। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट की स्टिकर लगी हुई है। अगर मैं आपको कैमरे में दिखाऊं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट वर्जन मिलती है। साथ ही साथ ये कोर i5 की स्टिकर है यहाँ पे 10 जनरेशन, और ये NVIDIA की ग्राफिक कार्ड की स्टिकर है। तो आप देख सकते हैं कि लुक एंड डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका दिया हुआ। यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स है, आपका ये पावर पोर्ट्स हो गया। और इस तरफ में आपको मिलेगी ये लैन पोर्ट है आपकी, आपके HDMI पोर्ट हो गए, और ये आपकी टाइप सी जो USB पोर्ट्स आती है वो हो गया, और ये आपका एक ऑडियो पोर्ट का लिए हो गया। और यहाँ पे आपका ये पावर बटन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये पावर बटन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आइए हम मशीन को ऑन करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है, इस पावर बटन को दबा के हम लोग को इसको ऑन करना है। Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narita. Okay, enough intro. Let's dig
पावर कोड जो है इसमें पैकिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे विंडोज सेटअप हमसे पूछ रहा है कि हमारा कंट्री रीजन क्या है। तो हमारा कंट्री रीजन इंडिया है, सो वी सेलेक्ट विद इंडिया, दिस इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इंडिया एंड देन वी क्लिक ऑन यस। योर कीबोर्ड इज सेट टू इंग्लिश इंडिया, वांट टू स्टिक विद दैट? यस। डू यू आल्सो टाइप विद अनदर कीबोर्ड लेआउट? स्किप। नाउ लेट्स गेट यू कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। That way, you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? I don't have internet right now, so we'll go with this setup first. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Continue with limited setup. We'll go with this option. So it just restarted to take the changes effect. So let it go. Except to use Windows. You can decline, but then, you know, no Windows. So we'll get with the accept. We started with the accept as the license agreement we have to accept of the Microsoft. Type what you want to name your account. As of now, we'll just type, say, HP only. We'll put HP as our username. If you could have seen it, I have typed it here, HP. Can you see it? Now we'll go with an option. Next. Okay, now type a password for your account. Password, we don't like to keep it now, so we'll go with next. Windows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you were doing, even when you switch devices, just to sync your activities. Yes. So hey, look, that's me, Cortana. And just can I have permission? Accept. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Yeah, let it as default. Default here NDJ and then click on accept. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. So we will not fill up right now. We'll do it later on. So click on next. And then click on next. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. So machine has restarted and just is taking a few more seconds to get the things up. So let's click on let's go. It asks for the registration, so we'll do it later on since we skip this setup as of now. And then review your privacy. Okay, that is done. And skip for now for the antivirus setup. And this is the details. As you can see here, let me zoom it. This is our machine, HP laptop DXDR2000 series with serial number and product number. Okay, and then we don't want to register now. Antivirus month trial is there for the office. It's just showing like that. So as of now, we don't need anything as of now. Just हम लोग इसको क्लोज कर देंगे एंड दिस इज विंडोज इज ऑल इज रेडी। सो आई एम गोइंग टू शो यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मशीन। सो यहाँ पे विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 64-bit प्रोसेसर। हमारा जो प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i5-10 जेनरेशन विथ 1.19 GHz एंड विथ 8 GB ऑफ रैम। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेल कोर प्रोसेसर है i5-10 जनरेशन एंड 8 GB रैम। ओके, सो 8 GB रैम एंड इट इज़ ऑल्सो DDR4, सो इट्स क्वाइट हाई विथ क्वाइट गुड स्पीड। ओके, एंड देन हार्ड ड्राइव, इफ आई मैं आपको हार्ड ड्राइव भी दिखाता हूँ।
सो लेट्स टेक दिस डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक कीजिए, हार्ड डिस्क दिखने के लिए। यह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये जो हार्ड ड्राइव है 256 GB SSD इस पे है। सो इसे क्या होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करेगा। एडिशनल 1 TB का हार्ड ड्राइव है आपका, 1 TB का एडिशनल हार्ड ड्राइव है, और 256 GB का जो हार्ड ड्राइव है वो SSD हार्ड ड्राइव जो कि चिप बेस्ड होती है और बहुत ही फास्ट होती है वो। और जो इसमें रैम लगा हुआ है वो DDR4 है। सो यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ दिस मशीन इज़ क्वाइट गुड हाई विद ग्राफिक कार्ड ऑफ 2 GB ग्राफिक कार्ड। ओके, सो दिस ग्राफिक कार्ड एज यू कैन सी हियर, दिस ग्राफिक कार्ड इज NVIDIA GeForce MX130 एंड दैट ग्राफिक कार्ड ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी ऑफ 2 GB। सो इट्स अ वेरी गुड मशीन फॉर ग्राफिक एडिटिंग, फॉर प्लेइंग गेम्स एंड फॉर एनी ग्राफिकल और फॉर द आर्किटेक्चरल वर्क फॉर द इंजीनियर्स। और सिस्टम इंफॉर्मेशन में अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे NVIDIA कंट्रोल पैनल की, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड का डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड जो ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे दिखा रही है आपको 2048 MB यहाँ पे दिखा रही है, और रैम जो इसमें है जी DDR5। सो ग्राफिक कार्ड DDR5 रैम है, हाई स्पीड है, 2 GB रैम। सो दिस मशीन इज़ विथ 2 GB ग्राफिकल रैम डेडिकेटेड। सो दिस मशीन इज़ अ वेरी गुड मशीन, सो यू कैन यूज़ इट फॉर योर एनी काइंड ऑफ डे टू डे और एनी हाई एंड वर्क फॉर वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर एडिटिंग और वेब डिज़ाइनिंग, फॉर आर्किटेक्चरल, फॉर रनिंग लाइक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ओके, इस तरीके का कुछ भी अगर आपका स्टडी पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन मशीन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं HP के तरफ से, और डिज़ाइन जो लुक वाइज इसके बहुत ही अच्छा इसका HP ने बनाया है। साथ ही साथ मैं एक फीचर्स आपको इसका और भी दिखा दूँ कि जैसे ही ये जो कीज़ है ये बैकलाइट LED के साथ में है, तो जैसे आप इसमें से एक कीज़ प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये लाइट एक्टिवेट हो जाएगी। सो डिपेंडिंग अपन योर विजिबिलिटी इन द, अगर आप रात में काम कर रहे हैं या दिन में काम कर रहे हैं जहाँ पे लो अंधेरा है, कीबोर्ड को आप इस तरीके से ग्लो कर सकते हैं। सो इट्स ए वेरी गुड मशीन। और इस मशीन में जो माइक्रोसॉफ्ट ने होम एंड स्टूडेंट ऑफिस 2020 आई थिंक दे हैड गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स अ लाइसेंस, इज अ कमिंग लाइसेंस विद माइक्रोसॉफ्ट ओनली विद कोर i5 10th जनरेशन विद NVIDIA GeForce। HP के तरफ से सपोर्ट के लिए यहाँ पे आपका HP का सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल HP टू देयर टोल फ्री नंबर एंड लॉक द कॉल फॉर एनी पार्ट रिप्लेसमेंट और फॉर एनी फॉल्ट। ओके, टचपैड का बात करें तो यहाँ पे ये हमारा टचपैड है जो कि बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। ये राइट क्लिक हो गई, ये लेफ्ट क्लिक हो गई, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका मूवमेंट एंड सरफेस डिज़ाइन है। अच्छा, जो हम फिंगरप्रिंट का बात कर रहे थे, इस मशीन में फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट हमारा है, देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट। हमें कन्फिगर करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए, लेकिन फिंगरप्रिंट हमारा यही है। अगर HP कैमरा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैमरा का जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है। इसे आप अपना YouTube वीडियो भी बना सकते हैं, कुछ अगर Zoom क्लासेस हो गया, वेब क्लासेस हो गया, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी बहुत ही इसका बढ़िया है HP कैमरा की, ठीक है। वाईफाई सिग्नल इस मशीन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क है सभी ये डिटेक्ट करेगी बेहतरीन तरीके से। ओके, तो वी आर ऑलमोस्ट फिनिश। अगर HP का आपका ये मशीन पसंद आई होगी, सो यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन विजिट एनी ऑफ योर डीलर। ओके, और आपको किसी भी क्वेश्चंस कुछ होगा तो यू कैन आस्क मी डेफिनेटली। थैंक यू। एंड आपको मेरा चैनल अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो गए देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।